देख सकते सरस्वती नदी साफ है और अलकनंदा मठ। तो चलते हैं, चल भाई। तो गाइज ये दोनों तो बोल चुके हैं यहीं पर, टायर टाइप खुश हो गई इनकी। अब मैं जाता हूँ अकेला, आपको दिखा के लाता हूँ गाइज, बार बार थोड़ी आऊँगा मैं। बस उधर अभी चल जाता है, लेकिन मेरी तबीयत खराब हो रही है और फिर टाइम भी नहीं है। कभी भविष्य में आना हुआ तो आपको जरूर दिखाएंगे, भविष्य बस उधर जरूर दिखाएंगे आपको। यहाँ से 5 किलोमीटर है, चलो चलते हैं। यार भारत की प्रथम चाय तो वो पीछे ही शायद, ये तो बस उधर का रास्ता है, आगे देखते हैं। आगे क्या है अंकल जी, क्या है आगे? कुछ नहीं है। तो गाइस आगे कुछ नहीं है, सब ऐसे बोल रहे हैं, कुछ नहीं है आगे, बस दुकान है और वो एक मंदिर है द्रौपदी का। चल चलते यार, नहीं तो ऐसे रह जाएगा, इतनी दूर आया और इतनी दूर नहीं जा पाया। चलो दिखाई देता हूँ आपको चाय की दुकान, भारत की प्रथम चाय। हाँ खराब हो रही है मेरी तो, अभी चल रहा हूँ। पूरी देखो प्रथम चाय की दुकान। मैं पी लेता गाइस चाय, लेकिन मैं चाय नहीं पीता तो नहीं पियेंगे अपन, दिखा देंगे बस आपको। तो गाइस आ चुके हैं हम भारत की प्रथम चाय की दुकान, मातृपुर बाला सुंदरी। चलते हैं, वो जा रहे वसुधारा। तो दादा भीम की गुफा कहाँ है? ये खुद घूम रहे लोग, भीम गाइस आपको स्वर्ग जाना है ना, बस उधर आ जाओ 5 किलोमीटर और 14 किलोमीटर स्वर्ग, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, स्वर्ग चल जाओगे जिंदा। ये देखो फिर चाय की दुकान, अब मेरी फोटो कौन खींचेगा, दोनों नीचे रह गए, कोई बात नहीं, ब्लॉग में ले लेता हूँ खुद को। ये देख लो गाइस हम आ चुके हैं भारत की पहली दुकान, जो है ये चाय की। और चलते अब द्रौपदी माता का मंदिर दिखा देते हैं, ये इंडिया का फ्लैग गाइस, ये है देवभूमि, इसीलिए स्वर्ग कहा जाता है इसको, क्योंकि यहाँ पर पांडवों ने स्वर्ग यात्रा करी थी स्वर्ग जाने के लिए, लेकिन पांचों पांडव स्वर्ग नहीं जा पाए, एक गया था वो पता नहीं कौन था, मेरे को नहीं पता यार इनके बारे में, रामायण महाभारत के बारे में, तो ये मैं मैया से पूछ के बताऊंगा आपको कौन था जो गया था स्वर्ग जिंदा। युधिष्ठिर गया था शायद, पता नहीं यार, बता दूंगा मैं मैया से पूछ के। मुझे पर्वत देख लिया आपने, चलते हैं एक मंदिर और बचे, दिखा खिलाते हैं आपको। देखो स्वर्ग उधर है, सीधा स्वर्ग जाने का रास्ता वसुधारा से आगे, वो एक भैया बता रहे थे अभी 5 किलोमीटर वसुधारा, वसुधारा से 14 किलोमीटर स्वर्ग, जो मैं बता दिया आपको। वैसे मेरे को कुछ जानकारी तो नहीं है, जितना पता चला उतना बता दिया, कोई गलती हो गई तो माफ़ कर देना। ये आ चुके हैं, पंडित जी ने बताया था द्रौपदी मंदिर है, लेकिन नीचे कुछ और लिखा हुआ था। ये रहा मंदिर, जय माँ त्रिपुर बाला सुंदरी मंदिर। चलो दिखाते, ये है बंदे गाइस, इतनी ऊपर चढ़ने के बाद ही दर्शन नहीं हो पाए। मैं बताता हूँ अंदर फोन करके, गिर ना जाए फोन, फोन गिर गया तो इस तरह से। ये रहा गाइस,
चलो चलते हैं। चलो बच गया फोन, अभी गिर जाता है इस तेज़ी हो जाती मेरी। जय माँ त्रिपुर बाला, चलते हैं गाइस। अब बस उधारा जाने जितनी हिम्मत नहीं है मेरे में, चल भी जाता अगर कोई साथ में होता तो, ऐसी हालत में भी ऐसी नहीं आ रहा यार मेरे। चलते हैं नीचे और निकलते हैं घर की ओर। रास्ते में कुछ हो गया तो दिखा देंगे आपको, अब कहीं प्लान नहीं जाने का। चलो जय हो यमुनोत्री मैया की जय, गंगोत्री मैया की जय, केदारनाथ की जय, बद्रीनाथ की जय, अलकनंदा की जय, और कौन सी नदी है, अरे यार मैं भूल ही जाता हूँ, मंदाकिनी की जय। ये तो अलकनंदा है, मंदाकिनी उधर केदारनाथ। जय हो देवभूमि की जय, नरनारायण की जय। जय हो, चलते फटाफट पहुंच जाएंगे उतरने का, ये अब तो झंडे का नहीं, तो कितने तेज भाग रहा हूँ। ये बार देख लो भारत की पहली दुकान, फोटो किसी खिंचाऊँ बोलूँ क्या किसी को, भैया फोटो खींच दोगे क्या? देखो कैसे बैठे मजे से उदय, आ जाओ आ जाओ, चले हाँ आ जाओ। मैं जाऊंगा भाई, जाएगी क्या? सरस्वती जल भरा हुआ है ना, वो पहाड़ तो गाइस देखो सरस्वती नदी यहाँ से आ रही है, पाताल में जा रही है वैसे तो, लेकिन पाताल में से थोड़ी बहुत निकल रही है, तो ये सरस्वती नदी हो सकती है मेरे हिसाब से। देखो जैसे निकल रही है उस हिसाब, और वहाँ पर हो रहा है दो नदियों का संगम, सरस्वती और अलकनंदा। ये देख सकते हैं सरस्वती नदी साफ है और अलकनंदा मट में भी, सरस्वती को नहीं गिना जाता, लेकिन सरस्वती को नहीं गिना जाता क्योंकि माना जाता है कि पाताल में जाती है पूरी, ऐसे कहा जाता है, लेकिन अब संगम हो ही रहा है आपको दिखाई दिया। हम अब अलकनंदा में मिलने के बाद पूरी नदी अलकनंदा ही मानी जाएगी, वहाँ से सरस्वती नहीं मानी जाएगी, केवल अलकनंदा नदी है। वैसे यहाँ से जा भी रही है, पूरी पाताल में जा रही, थोड़ी बहुत जा रही जाती तो है, लेकिन सारी मिलने के बाद गंगा ही मानी जाएगी। हाँ पूरी मिलने के बाद गंगा हो जाती है फिर आगे हरिद्वार में। चलो भाई बताई दिया मैंने आपको एक और संगम, कौन सा पर आ गई पता नहीं मेरे को, यहाँ पर लिखा हुआ भी नहीं, जहाँ पर संगम होता है वहाँ पर प्रयाग बन जाता है, देवप्रयाग, सोनप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग दिखाई दिया मैंने आपको, और एक नंदप्रयाग था, नंदप्रयाग भी देख लिया हमने गाड़ी में से। ये देखो यहाँ से देखो नंदप्रयाग आपको नहीं दिखा पाया, रास्ते में आया था। ये देखो संगम हो रहा है दोनों नदियों का। चलो चलते हैं फटाफट उतर जाएंगे वैसे तो। बस 8:50 हो चुके हैं और हम उतर चुके हैं। ये देखो गड्डी कितनी गंदी हो रही है, उतरते टाइम पता ही नहीं चला यार, फटाफट उतर गया मैं, अभी और आ गया था पता चला गड्डी यहीं खड़ी है। चलते अब मैया और आ चुकी है, रूम से बिठाते हैं और निकलते हैं। जय श्री बद्रीनाथ। क्या बाकी रह गया सोहन का? अच्छा उसके लिए खे रहे इधर चिरायु के लिए, गैस चिरायु के लिए ले रहे हैं, और ये देखो दे लगा लिया, मस्त लग रहा है। निकल चुके हैं पार्किंग में आने वाले, मैया और को बिठाते हैं और फिर चलते हैं ऋषिकेश के लिए रवाना होते हैं। बीच में धारी देवी का मंदिर आएगा, उसका दर्शन करना अनिवार्य है चार धाम होने के पश्चात। ऋषिकेश नहीं वैसे तो हमको जाना ही जरूरी है, ऋषिकेश होता हो जाएगा, ऋषिकेश होता हो जाएगा, और ऋषिकेश यहाँ से 299 किलोमीटर। तो अपन क्या बोल रहा था यार मैं, हाँ वैसे हाँ धारी देवी का दर्शन करना अनिवार्य है, चार धाम तभी कम्प्लीट माने जाते हैं, चार धाम की यात्रा जब भी सफल होती तो रास्ते में धारी देवी रक्षा करती है चार धाम। हाँ चार पूरे जितने भी चारों धाम है ना उनका मेन वो है धारी देवी, सबकी रक्षा करती है, लड़े हुए खोकरों में। तो
हम चलते हैं। और गाइस लोग बाग कहते हैं कि सबसे कठिन रास्ता बद्रीनाथ का है, और मेरे हिसाब से हम चारों धाम कर लिए। अभी तक डबल रोड है ना हर जगह, तो देश और तीन धाम में सिंगल रोड भी आई है, सिंगल वे आए, और यहाँ पर तो डबल रोड है, डबल लाइन चलती है गाड़ी की। देखो आ भी रही है जा भी रही है, सबसे बेस्ट रास्ता यही है। बस पहाड़ खतरनाक है आगे, बहुत ऊँचे ऊँचे, बहुत ऊँचे ऊँचे पहाड़ है, सबसे केदारनाथ से भी ऊँचे पहाड़ है यहाँ पर, पूरी और लाइन लग रही है यहाँ तक। लेकिन सबसे बेस्ट रास्ता ये लगा, बस बीच में एक जगह खराब रास्ता वहाँ पर तो डर भी लग रहा था, लाइन खतरनाक लग रही है। देखो यहाँ तक उस चद्दर से भी आगे 3 किलोमीटर की लाइन, अब इनके दर्शन पता नहीं था। सबसे बेस्ट दर्शन होते हैं इस रात को 8:30 बजे बाद, 8 बजे आप लाइन में लगोगे, आधे घंटे में नंबर आ जाएगा 8:30 बजे तक, बिल्कुल भी भीड़ नहीं रहती रात को। और सुबह देख लो 3-3 किलोमीटर की भी लाइन लग रही है, इसमें तो आ गए वो चद्दर भी पीछे छूट गई, छाया के लिए लगा रखे है ना, उससे भी पीछे तक गई। चलो चलते हैं मैया और बिठा। तो गाइस 9:30 बज चुके हैं और मैया और अभी आई नहीं पार्किंग में, जब तक हमने देखो चटनी और मोमो खा रहे। कैसे लगे हो डे बाबू? तो ये अपन घर जैसे ही घर पे पढ़ाई खाते हैं, घर पे मतलब जैसे मिलते ना जयपुर में। अच्छा और गाइस 100 रुपये के 10 आए, 2 प्लेट मंगवाए और खाते जब तक इंतजार करते फिर खा के। तो गाइस 9:50 हो चुके और रवाना हो चुके हैं यहाँ से बद्रीनाथ के से, तो अब हम जाएंगे घर के लिए रवाना हो रहे हैं। रास्ते में धारी देवी का मंदिर है जो दर्शन करेंगे। बोल बद्रीनाथ की जय, बोल धारी देवी की जय, अपने अपने पितर देवी देवताओं की जय, पितराड़ी जी की जय, जय जय बद्रीनाथ, जय बद्रीनाथ, बोलो केदारनाथ बाबा की जय, गंगोत्री मैया की जय, यमुनोत्री मैया की जय, चारों धाम की जय। तो गाइस चलते हैं, रास्ता तो देख लिया आपने। और मैया वहाँ पर भी प्रयाग है क्या? पर हाँ देख तो चल, नहीं हम देखे ऊपर। अच्छा देख लेना व्लॉग में, बना के लाया। और भैया द्रौपदी मंदिर पांच पांच पांचों पांडव थोड़ी गए थे स्वर्ग? नहीं युधिष्ठिर गया था, सिर्फ एक ही गए थे, एक ही गए थे, जिंदा तो युधिष्ठिर ही गया था ना। देख ले पता है मेरे को। और रह गए थे द्रौपदी, तो सबसे पहले रह गई थी नीचे। क्यों? अरे चढ़ा ले गए ना दीदी। अच्छा और सब बस एक ही गए थे धर्मराज युधिष्ठिर, उसको कुत्ता लेके गया था साथ में। वो कुत्ता भी गया था साथ में? हाँ साथ कुत्ता लेके गया था। कुत्ता क्यों लेके गया था साथ? ब्लैक कलर का कुत्ता। अब ये मुझे पता नहीं है इसके बारे में। और वो कहानी भी तो है मैया, कौन सी? कुत्ता क्यों गया था साथ? वो धर्मराज था ना इसलिए युधिष्ठिर। वो कोई पानी पिलाया था ना किसी आदमी किसको? हाँ ये तो मुझे इतना याद नहीं है बेटा। ओके मैया जी, गाइस देख लेना आप यूट्यूब पे सर्च करके। चलते हैं, देखो भीड़ आ रही है, खत्म हो गया, खतरनाक भीड़ हो गई 3-3 किलोमीटर तक लाइन। हाँ ये देखो गाड़ियाँ बसें भर भर के आ रही है। चलो जाने जाती थे हम लोग, कहता भगवान इसको कोई के साथ मत करे भोले बाबा। गाइस इधर भी दो नदियों का संगम है, देखो एक कम आ रही है एक तेज आ रही थोड़ी। हाँ ये मानसू देखे जो मेरी नदियाँ मिलती है साफ चल दिखाई नहीं है। तो गाइस 11:15 हो चुकी है, मेरे कान बंद हो रहे यार, कान बंद हो रहे हैं, थोड़ा कम सुनाई दे रहा है। और हम पहुँच चुके हैं जिस जगह, तो आप देखते चलो देखो दो नदियों का संगम, हमेशा एक नदी थोड़ी साफ और एक नदी थोड़ी मट गई। ये नदी साफ आ रही है अलकनंदा और वो पता नहीं कौन सी नदी यार, ये तो आ रही बद्रीनाथ से, हमारे कहा इसी कारण साथ साथ चलती आ रही है। दोनों नदियों का संगम हो रहा है इस जगह पर, विष्णु पर याद है देख सकते हैं आप, मैं कुत्ते को लेकर खड़ा हूँ। अभी हम खड़े विष्णु पर, एक पता नहीं और बोरा देखो विष्णु पर आपका बच्चे वहाँ नहीं जा रहे हैं, पता है फिर मैं यहाँ उतरे खड़े हुए। चल भैया आ जाए, कह रहा हूँ अभी नहीं आया।
गरुड़ गंगा की जय। अरे नहीं वो कोई जो ना हो अंडस देख लिया ले। ये देखिए अरे सूखी हो गई आज तो और भी ओल पानी खत्म। अरे आज तो पानी खत्म हो गो ले अब ना आज तो खूब सूख चुका। गर्मी कितनी है तो कितना डिग्री है 36 डिग्री 36 डिग्री है यहाँ पर आज तो नर्चू ही खत्म हो पापा तो बताओ यार कितनी गर्मी है।